सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, गो सेफ, गो ट्रेन्ड टू प्रमोट सेफ एंड लीगल माइग्रेशन एज वेल एज ओवरसीज करियर प्रॉस्पेक्ट्स, जिसका मकसद है जागरूकता की मशाल जलाना कि सुरक्षित और लीगल चैनल के जरिए अगर कोई एस्पिरेंट जॉब के लिए ओवरसीज ट्रैवल कर रहा है और वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है, तो वो बिना किसी जोखिम के सुरक्षित और प्रोडक्टिव रूप से विदेश में रह सकता है। इसी बात पर बल दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक पोस्टेज स्टैम्प। मे आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली एंड हिज एक्सीलेंसी मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी टू काइंड ऑफ रिलीज द कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प विद द टैग लाइन सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, गो सेफ, गो ट्रेन्ड। Thank you, sir. Thank you, His Excellencies. आज हर वो व्यक्ति जो भारत की जड़ों से जुड़ा है, वो एक उजियारे विश्वास से भरा है, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो, या वो भारतवंशी हो। भारत की आज जो विश्व में धाक और साख है, उससे 21वीं सदी का भारत मानो विश्व मानचित्र पर जगमगाता सा अलग ही नजर आ रहा है, और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, जिनकी हर सांस में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है। मे आई इनवाइट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी टू काइंडली एड्रेस द गैदरिंग, काइंडली गाइड अस एंड शो अस द वे फॉरवर्ड। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सुरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विश्व भर से पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है, और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल,
यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वतंत्रता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, तो अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, सिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस इज स्पेशल इन मैनी वेज। वी सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। आवर डिजिटल एग्जीबिशन रिलेटेड टू अवर फ्रीडम स्ट्रगल हैज बीन ऑर्गेनाइज हियर। इट ब्रिंग्स द ग्लोरियस एरा इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। फ्रेंड्स, द नेशन हैज एंटर्ड द अमृत काल ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अवर प्रवासी भारतीय हैव सिग्निफिकेंट प्लेस इन दिस जर्नी। India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम्, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर
हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा, हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी, हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग अलग देशों अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, योर रोल एज इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर इज डाइवर्स। यू आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ मेक इन इंडिया, you are brand ambassadors of yoga and ayurveda, you are also brand ambassadors of india's cottage industries and handicrafts, at the same time you are also brand ambassadors of india's millets। You would already know that 2023 has been declared by the united nations as the international year of millets। I appeal to you to take some millets products with you while returning। You also have another important role to play in these rapidly changing times। You are the people who will address the world's desire to know more about India। Today the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity। It is important to understand why I am saying this। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही
स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरान में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100-100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी, और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है, ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि
जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बना रहा है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंग होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं, वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने, मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है, और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे ये नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं, या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है, कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र, उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे लगता है
कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है वे वाकई बहुत उपयोगी हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिसे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्यक्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। आपके राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्वर सभी को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय। वी आर ग्रेटफुल एंड प्रिविलेज्ड विद द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली एंड हिज एक्सेलेंसी मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोष। थैंक यू ऑनरेबल गवर्नर मध्य प्रदेश। थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। Thank you so much. को संबोधित किया, संबोधित करते हुए कहा कि 4 वर्षों के बाद प्रवासी सम्मेलन भव्यता के साथ हो रहा है, अपनों से आमने सामने का अलग ही आनंद होता है। मैं 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से स्वागत करता हूं और हर प्रवासी देश की माटी को नमन करने आए हैं। ये सम्मेलन देश की हृदय क्षेत्र कहा गया है। यहाँ माँ नर्मदा का जल आदिवासी परंपरा है। हाल ही में उज्जैन में भगवान महाकाल के लोक का भव्य विस्तार हुआ, तो जमकर पीएम मोदी ने न सिर्फ इंदौर की बल्कि पूरे एमपी की तारीफ की है। पीएम मोदी ने इंदौर की तारीफ जमकर की, कहा कि इंदौर नमकीन का स्वाद, यहाँ पोहे का पैशन है, साबुदाने की खिचड़ी, यानी यहाँ पर व्यंजनों को लेकर भी पीएम मोदी ने इंदौर की जमकर तारीफ की है। तो संबोधन पीएम मोदी की ओर से किया गया, साथ ही प्रवासी भारतीयों का हृदय से स्वागत पीएम मोदी की ओर से किया गया है और कहा कि लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। तो बड़ी बात पीएम मोदी की ओर से इंदौर के लिए कही गई है। तो जमकर तारीफ पीएम मोदी ने न सिर्फ इंदौर की बल्कि पूरे एमपी की है। तो अभी हम जिस शहर में हैं वो अपने आप में अद्भुत है, पीएम की ओर से कहा गया। लगातार तारीफ पीएम की ओर से की गई है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय को 2 नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें अपनों से
आमने सामने होने का अलग ही आनंद होता है, पीएम की ओर से कहा गया है। पीएम ने कहा कि भारत में विकास की गति असाधारण है। देखिए लगातार पीएम की ओर से तारीफ की गई। वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। लगातार हम आपको वो बात बता रहे हैं जो पीएम की ओर से कही गई है। भारत की ताकत बढ़ रही है, पीएम ने कहा। तो पीएम ने जमकर तारीफ की है, कहा कि पूरी दुनिया अब भारत की आवाज सुनती है। तो जब पीएम मोदी मंच पर संबोधन के लिए गए थे तो पूरा हॉल जो है वो मोदी के नारों से गूंज उठा था और बड़े ही ध्यान से सभी प्रवासी भारतीय जो हैं पीएम मोदी को सुन रहे थे। तो पीएम मोदी ने इंदौर की एमपी की जमकर तारीफ की है और 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से सभी प्रवासी भारतीयों का हृदय से स्वागत किया गया। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको बातें दिखा रहे हैं जो पीएम की ओर से की गई हैं। पीएम ने कहा कि करोड़ों प्रवासी को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कोई तस्वीर आते ही भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं, यहाँ शांति प्रिय नागरिकों के रूप में देखा जाता है।